साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक, मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से इंडिया न्यूज़ 16 की टीम आए दिन आपको किसी न किसी पंचायत से मिलवाती रहती है, लेकिन आज कुछ अलग करने वाले हैं। एक भावी सरपंच से हम मिलने वाले हैं जो अब आगे आने वाले चुनाव में सरपंच की जो चुनाव है वो लड़ने वाले हैं। सरपंच बनने की उनकी चाहत है, वो क्यों चाहत है वो आज हम इनसे पूछेंगे। उपस्थित हैं आज हम गाँव चीतलांग विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में। सर, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार कौशिक साहब। सबसे पहले तो कौशिक साहब, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। सर, जिस प्रकार से आप जब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, मैंने सुना है कि आप पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था आपने। हाँ हाँ कौशिक साहब, बिल्कुल मैंने इलेक्शन लड़ा था और गाँव समाज ने मेरे को लगभग 500 वोट दे करके अच्छा मान सम्मान दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अब आगे लड़ना भी चाहता हूँ। सबसे पहले आज से आपने 4.5 साल पहले इलेक्शन लड़ा था, तो कैसे ये दिमाग में माइंड में आया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए, क्यों, क्या रीज़न रहा उसका? कौशिक साहब, बचपन से ही मुझे राजनीति का बड़ा शौक़ है जी। जैसे मैंने मेरे ग्रुप के साथियों ने, गांव समाज के सभी साथियों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, सभी ने मेरे को बोला कि मुकेश आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। साहब, मैंने इलेक्शन की अच्छे तरह से तैयारी की। और ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्शन आप क्यों लड़ना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। कौशिक साहब, ये हक गांव को भी जानने का है कि हम किसी को अगर वोट दें तो क्यों दें। बिल्कुल। अगर आपको सरपंच बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, आपका अच्छा क्वेश्चन है कौशिक साहब। सभी को हक है इस बात का जानने का कि आपको अगर सरपंच गांव का प्रधान बनाएं तो क्यों बनाएं, कि आप में क्या क्वालिटी है, क्या कर सकते हो। आपने कुछ सोच के रखा होगा कि मैं सरपंच बनने के बाद ये कमी है गांव में, इस प्रकार से मैं ये काम करूंगा तो कुछ अलग होगा। क्या आपकी रूपरेखा है कि मैं ये काम करेंगे सरपंच बन के? हाँ हाँ कौशिक साहब, बिल्कुल। कौशिक साहब, सबसे पहले मेरे गांव के सेंटर के अंदर एक झोड़की व्यवस्था है जी, जिसके अंदर सारा गाँव का जो गंदा पानी है वो वहाँ इकट्ठा होता है। जैसे बारिश आती है तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौशिक साहब, जैसे ही मंदिर की दीवार से लगता जोड़ गांव के बीच में कहीं ना कहीं बाबा रूपदास की मंदिर की शोभा को भी कम करने का काम करता है। कौशिक साहब, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले एक अच्छी सीवर लाइन के जरिए उस गंदे पानी की निकासी गांव से बाहर करने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है कि मंदिर के साइड में गंदे पानी का जो जोड़ है, पूरे गांव का गंदा पानी इकट्ठा था, उसको आप बाहर लेके जाने का काम करोगे। जी जी कौशिक साहब, बिल्कुल कौशिक साहब। तो इसके अलावा और कोई काम हो, जिस प्रकार से आपका जो मेन रोड है इसमें 2-4 गांवों का आवागमन है इस रोड पे, ये भी कुछ ठीक हालात में नहीं है, पानी भरा ही रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल कौशिक साहब, ये बिल्कुल जो अपने देवास से, भांडौर से और चीतलांग से, मेघनवा से जो रोड लगता है जी, इसके ऊपर गड्ढे हैं। और सच पूछो तो ये पंचायत का काम होता है, समाज का काम होता है, जो चुन के गांव चुनता है उन सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर गांव की कहीं व्यवस्था ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं वो पंचायत की व्यवस्था ख़राब होने का काम होता है। बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने पिछली बार तैयारी की, तो गांव के लोगों का, अपने परिवार का कितना क्या सहयोग रहा आपके साथ? कौशिक साहब, मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ अपने गाँव का कि मेरे गाँव ने मुझे पहली बार में 500 वोट दे करके एक हौसला दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने इस गांव के ऊपर, पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि ये गांव एक दिन मुझे सरपंच जरूर बनाएगा। आपकी मन की भावना है कि गांव की सेवा की जाए, गांव का विकास करवाया जाए। हाँ, 5 साल कौशिक साहब, मैंने 5 साल जो 4.5 साल समाज सेवा की है, गांव के हर एक लोगों के पास मैं गया हूँ, मैंने अच्छा करने का काम किया है। किसी का राशन कार्ड है, किसी का आधार कार्ड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, मैंने हर एक आदमी को अपने दिल से जा कर के सेवा की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा गांव है, मेरा गांव, कुछ लोग तो कह देते हैं बोला बोला भाई बोला पैसे चलते हैं, मेरे गांव के इलेक्शन में पैसे नहीं चलते। कौशिक साहब, गाँव में कोई खर्चा नहीं होता इलेक्शन होता तब? नहीं कौशिक साहब, ये सरपंची का जो इलेक्शन होता है, रसूख का इलेक्शन होता है कौशिक साहब, इसमें भाईचारे का इलेक्शन होता है। गांव समाज को भाईचारे में से ही तो किसी आदमी को चुनना होता है। बिल्कुल। पैसे किस बात के? जब गांव में इलेक्शन हुआ पिछली बार, तो कितने व्यक्ति जो सरपंच के दावेदार कितने खड़े थे? कौशिक साहब, हम 3 थे, एक हरिओम सरपंच जो फिलहाल अपने सरपंच है, हमारे दादाजी जयपाल
सरपंच साहब और तीसरा मैं था कौशिक साहब। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सर चुनाव के बाद गांव में वहां से स्कूल में जैसे चुनाव होते हैं तो उसके बाहर आने के बाद भी द्वेष की भावना रहती हो कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ऐसी कोई भावना तो गांव के लोगों में नहीं रहती होगी? नहीं 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 कौशिक साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमारी जो लड़ाई थी वो स्कूल के अंदर तक की लड़ाई थी। स्कूल के बाहर आने के बाद गाम समाज, देखो गाम समाज जिसको भी चुनता है वो गाम समाज का चुना हुआ इंसान होता है। द्वेष भावना किसकी, गांव को चुनना आता है, किसी आदमी के, एक आदमी के बस की बात थोड़ी ना है। और हमने तो पंचायत के साथ मिल करके अच्छा काम करने का सहयोग किया है। और ऐसी कोई भावना भी नहीं है जैसे बाहर, जैसे और बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी कांग्रेस, इन सभी के लोग गांव में रहते हैं तो उस प्रकार से सरपंच जी में कोई दखलंदाजी होती हो? नहीं नहीं कौशिक साहब, मेरे गाँव में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई कोई बड़ी राजनीति का शिकार हो। नहीं, ये गाँव समाज का इलेक्शन है और इसमें गांव समाज ही चुनता है, किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव से। ऐसा सब ये जो बोलते हैं लोग, दारू पीते हैं, जो पैसे खर्च होते हैं, बटते हैं, खरीद लेते हैं, ऐसा मेरे गांव में कुछ भी नहीं है कौशिक साहब। मतलब बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव होता है और सबके मन में एक अच्छी भावना होती है कि भाई सरपंच बनेगा, गाँव का विकास करवाएगा। जी जी कौशिक साहब, कौशिक साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गाँव समाज के हिसाब से नंबर भी है मेरा जी। मैंने सेवा भी की है गांव की और जो मुझसे 500 वोट दिए हैं मैंने उनका मान सम्मान, गांव का मान सम्मान 5 साल कम होने नहीं दिया है जी। हर एक भरपूर प्रयास किया है काम करने का और अच्छा मैंने काम भी किया है कौशिक साहब। जैसे मेरे मित्र हैं प्रदीप मालडा जी, उनके जरिए मैंने एक दो रोड भी बनवाए हैं जो 15 से 20 लाख रुपये का बजट वहाँ लगा है जी। और जैसे अपने चेयरमैन साहब हैं मंगल चेयरमैन साहब, उनके कोटे से मैंने एक रोड बनवाने का काम किया है, नाला बनवाने का काम किया है। कौशिक साहब मैंने समाज के लिए, गांव के लिए अपने साथियों को टटोलने का काम किया है और कहीं ना कहीं अपने साथियों की मदद से गांव में विकास करने का काम किया है। बिना कोई पद होते हुए इन्होंने इतना काम, जो हमारे पार्षद जी हैं उनकी मदद से और भी लोगों की मदद से गांव में विकास करवाया है, तो सोचो ये सरपंच बनेंगे तो और भी कुछ नया करवाएंगे गांव में। तो और कोई ऐसा पॉइंट हो कि भाई मैं सरपंच बनने के बाद एक ऐसा ये काम करवाऊँ जो सबसे अलग होगा और सबको अच्छा लगेगा, ऐसा कोई काम है आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल कौशिक साहब, देखो कौशिक साहब सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया कि मेरे गाँव के माध्यम में एक झोड़ है जी जी जी, सबसे पहले उस जोड़ को बाहर निकालने का काम करेंगे सीवर लाइन के जरिए। नंबर दूसरा कौशिक साहब, मेरा छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, 1500 वोट है, एक छोटा सा गांव है। अभी तक मेरे गांव में कोई पार्क की व्यवस्था है नहीं जी। मैं कौशिक साहब आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, एक अच्छा पार्क बनाने का काम करेंगे। बच्चों के खेलने की व्यवस्था के बारे में कोई है यहाँ पे? कौशिक साहब अभी तक मेरे गांव में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। और जो बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, सुबह हमारी माताएं बहनें जैसे घूमने जाती हैं, हमारे पिता समान बुजुर्ग जो घूमने जाते हैं उन सभी को एक बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक घास से, गंदे पानी से निकलना पड़ता है। कौशिक साहब एक अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था करने का काम करेंगे, एक अच्छी व्यायामशाला बनाने का काम करेंगे और जो हमारे युवा साथी हैं उनको एक अच्छा ग्राउंड देंगे ताकि वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकें और अपने गांव के नाम को रोशन कर सकें। अभी गांव में कोई पानी वानी की, लाइट की कोई परेशानी तो ऐसी तो नहीं होगी? नहीं कौशिक साहब, लाइट तो जो आती है वो आती है ही जी जी। और ऐसी कोई समस्या है नहीं। समस्या तो कुछ ऐसी हैं कि अभी तक मेरे गाँव में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं है जो हम छाती ठोक के ये कह सकें कि निर्मल गांव का, जैसे पॉइंट होते हैं निर्मल गांव के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसे 11 पॉइंट होते हैं। रोड को पाड़ लेना, रोड को बना देना, मिट्टी डाल लेना, मिट्टी उठा लेना, ये गांव का विकास नहीं होता कौशिक साहब। गांव के विकास के लिए एक अच्छी सच्ची टीम की ज़रूरत होती है, सच कहने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। सरपंच बनने से क्या होता है? सरपंच बनने से कौशिक साहब कुछ नहीं होता। सरपंच बनने के बाद एक अच्छी टीम को साथ लेकर के, गांव के सीनियर लोगों को साथ लेकर के, अच्छे विचार के लोगों को साथ लेकर के, गांव को एक न्याय दिलाने का काम अगर करता है सरपंच तो वो सरपंच पद का हकदार है। नहीं तो ऐसे सरपंच बन आप बहुत से आए गए चले जाएंगे, हम भी बनेंगे ना बनेंगे, बनते रहेंगे। कौशिक साहब एक अच्छी टीम बनाएंगे, ऐसी टीम बनाएंगे जो सच कहने की हिम्मत रखती हो, जो सच का साथ देना जानती हो, सच
न्याय कर सके और कौशिक साहब गांव के विकास के लिए एक सच्ची टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है और वो होनी भी चाहिए। एक सरपंच से गांव का विकास नहीं होता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कौशिक साहब देखो विकास के मामले में तो क्या है, निर्मल गांव अगर बनाना है तो निर्मल गांव के पॉइंट होते हैं 11 और जिस आदमी का लक्ष्य होता है कि मैंने मेरे गांव को निर्मल गांव बनाना है तो वो लड़ाई लड़ता है उन पॉइंटों की कि भाई ये कल ये पॉइंट रखे जाएंगे तब मेरा गांव निर्मल बनेगा और जब मेरा गांव निर्मल होगा तो मेरे गांव को एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी। कौशिक साहब मेरा राजपूतों का गांव है, अभी तक कोई धर्मशाला नहीं। देखो कौशिक साहब ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारा हक भी है कि राजपूत गांव होने के बावजूद अगर हमारे पास धर्मशाला नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे पंचायत हमारे समूह कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। पंचायत भवन वगैरह, हाँ पंचायत भवन तो है लेकिन वो एक पंचायत भवन है, एक समाज के हिसाब से जैसे हमारे भाई प्रजापत समाज की एक धर्मशाला होती है वो भी बनवा रखी है, एसी धर्मशाला की है, वो बहुत पुरानी है, डैमेज है, उससे पानी गिरता है खिंडता है, उसमें कहीं बैठने की व्यवस्था है नहीं। तो जो धर्मशाला हैं उनको रिपेयर करवाया जाए, नई धर्मशाला बनवाई जाए। फिर कौशिक साहब सबसे जो अहम बात होती है हमारे गांव के अंदर पैसा बहुत है जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरे गांव की पंचायत के अंदर 45 से 50 किल्ले ज़मीन है जिनकी हर साल बोली छूटती है, 8 से 10 लाख रुपए वो बोली के भी आते हैं, हरिजन समाज के भी उसमें 3 से 4, 4 से 5 जो किल्ले हैं वो हैं उनकी भी बोली छूट कर उनके भी पैसे आते हैं। फिर कौशिक साहब मेरे गांव में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की FD है, हर साल उसका ब्याज भी आता है। तो मेरा गांव सच पूछो तो कौशिक साहब हरियाणा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर टिका हुआ नहीं है, मेरे गांव के पास इनकम श्योर है, काफ़ी है। अगर मेरे गांव की अच्छी यूनिट और उस पैसे का उपयोग अच्छे ढंग से करें तो मेरे गांव को हम गांव के इनकम श्योर से निर्मल गांव बना सकते हैं कौशिक साहब। दूसरा क्या है कौशिक साहब, अभी जो रोड में ज़मीन गई है तो उसमें भी मेरे गांव का पंचायत का 2-4 किल्ला जो भी हैं कौशिक साहब गया है और उनका भी जो पैसा आया है वो भी FD के रूप में ही होगा, ये कन्फर्म नहीं है मेरे पास लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो पैसा FD के रूप में ही मिलेगा। कौशिक साहब हमारे गांव के अंदर विकास कार्य करने के लिए गांव की पंचायत के पास इतना पैसा है कि हम अच्छे से अच्छे विकास कार्य के लिए किसी सरकार की, अगर सरकार की तरफ से हमें कोई मदद ना मिल पाए तो हम उस पैसे से हम अपने गांव की समस्या को ख़त्म करने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया कि गांव की सारी समस्याएं गांव हल कर सकता है, इतना पैसा गांव की पंचायत के पास है, हर महीने हर साल आता है ब्याज के रूप में, जो खेत हैं उनकी बोली छूटती है, मतलब किसी प्रकार से डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सारे काम हो सकते हैं। जो भावी सरपंच हमारे मुकेश कुमार जी हैं उनके विचार आपने सुने और वो क्या गांव में करवाना चाहते हैं, किस प्रकार से विकास करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक यूनिटी बने, एक लोगों का संगठन बने और वो सारे मिलजुल के काम करें जिससे गांव का विकास हो सके। जल्द ही जैसे भी चुनाव होंगे इनके चुनाव के नज़दीक फिर हम आपको इनसे मिलवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।